पहले पूरा ओपन लुक का कर्ल्स, ये जो वेरिएशन में फ्रंट से लेके हाफ तक का है, ये आप बन में भी डाइवर्ट कर सकते हो, इसको आप वेस्टर्न लुक में भी डाइवर्ट कर सकते हो। आपका कोई ब्राइड है, क्लाइंट है, जिसको आप मेहंदी में करना हो, करने चाहते हो, या फिर अदर एनी अदर फंक्शंस, ब्राइड साइडर्स, किसी को भी ये हेयर स्टाइल आप क्विक में करके दे सकते हो। और जरूरी नहीं है आप नीचे उसको कर्ल्स करो ही करो, आप इसके अलावा भी बहुत कुछ नीचे पोनी में कर सकते हो। यही सब वेरिएशंस मैं ऑनलाइन क्लास में आपको दिखाऊंगी कि एक ही हेयर स्टाइल में हम कितना कुछ अलग अलग वेरिएशंस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट मिडल पार्ट, लेकिन मैं यहाँ पे मिडल पार्ट नहीं रखने वाली हूँ, पूरा ऊपर ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी हमें प्रॉपर एक जजमेंट मिले। ये क्लास बहुत अमेजिंग रहने वाला है, जिसको भी जुड़ना है आप पूछ सकते हो मैसेज करके या एनरोलमेंट कर सकते हो, नीचे नंबर दिए हुए। कांट हियर यू, नो वॉइस, एक ही सेकेंड। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? प्लीज रिप्लाई। यहाँ पे मिडल पार्ट किया, जस्ट ईयर टू ईयर पार्ट में पहले अलग कर रही हूं। दिस इज फॉर जस्ट फॉर गाइडलाइन। फिर आफ्टर दैट जैसे हम बन में प्रिपरेशन करते हैं नीचे से निकाल के, वैसे ही हम पोनी स्टाइल भी करने वाले हैं आज। ईयर से मैंने पार्टीशन एक अलग किया, ओके, एंड आफ्टर दैट इसकी हम पोनी बनाएंगे। बट पोनी कैसे करेंगे, पूरा एक साथ नहीं लेना है, हम यहां से भी वी करेंगे। जितने डिटेल में मैं यहां पे सिखाती हूँ उससे बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हमारा ऑनलाइन क्लास होता है। यहां पे वी शेप में निकाला, प्लस यहां से भी हम वी शेप में निकालेंगे। ताकि हमारी पोनी नीचे से ऊपर हाई लुक दिखे। सी, अगर एक साथ ले लेते तो ये इतना हो जाता, इसीलिए इतना पार्टीशन को नीचे रखा और इसको ऊपर के साइड में। आई होप आप लोग को सबको अभी आवाज क्लियर आती रहेगी। प्लीज रिप्लाई कर दो तो मुझे भी समझ में आए कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आफ्टर दैट हम शाइन स्प्रे यूज करेंगे फॉर फिनिशिंग पर्पस। ओके, थैंक यू फॉर रिप्लाई, आवाज आ रही है। यहाँ पे हम रबर बैंड कर देंगे। इसको अभी हम थोड़ा वॉल्यूम देंगे,
वॉल्यूम देने के लिए नीचे से स्टार्ट करेंगे। पतला पतला सेक्शन लेना है आपको और रूट में बैक कॉमिंग करनी है, बहुत छोटी छोटी। यहाँ पे हार्ड स्प्रे और शाइन स्प्रे आपको दोनों भी यूज करना है। ये टैफ्ट का शाइन स्प्रे है, आप ओसिस का भी यूज कर सकते हो, दोनों भी अच्छा है। आप देख सकते हो जब भी हम पोनी स्टाइल करते हैं तभी हल्का सा उन्हें वॉल्यूम देना जरूरी होता है। अगर आपने पहले से कर्ल्स नहीं किए हैं तो आप ये प्रोसीजर के वक्त एक 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 जैसे मैं पार्टीशन ले रही हूँ वैसे पहले बैक कॉमिंग करो, नीचे वॉल्यूम दो और नीचे से कर्ल्स करते जाओ। ये अभी भी कर सकते हो आप, सो पहले से करके रखना जरूरी नहीं है, मैंने पहले से करके रखे हैं। जस्ट स्प्रे करना है और उसको स्प्रेड करते जाओ और बहुत पतले पतले सेक्शन लेना। जिसको भी ऑफलाइन कोर्स में ज्वाइन करना है मुंबई में मुलुंड में मेरी एकेडमी है, आप यहाँ पे आके भी सीख सकते हो। और अभी उसमें 50% ऑफ भी चल रहा है, फर्स्ट बैच अभी मेरी स्टार्ट होने वाली है। सो आप जिसको भी जुड़ना है ऑफलाइन में आके सीखना है वो भी सीख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से बैक कॉमिंग करनी है। और उसको स्प्रेड देखो, स्प्रेड करने पे वो कितना वॉल्यूम आ गया उसको। और ऊपर से उसको नीचे से बैक कॉमिंग स्प्रे करके स्प्रेड करो और अच्छे से उसको फिनिशिंग देते जाओ। आई होप आप लोग को सबको ये हेयर स्टाइल का वेरिएशन जो मैं आज सिखा रही हूँ वो अच्छा लगेगा, कुछ नया सीखने मिलेगा आप लोगों को। इसका वॉल्यूम कितना हाई हो गया, अभी तक मैंने सिर्फ आधा किया है, अभी भी मेरे पास इतने बाल हैं और ऊपर के वेरिएशन से जो आएंगे वो।
आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। एनी क्वेरीज, जिसको भी कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। शाइन स्प्रे, जिसको भी बहुत मतलब मिनिमम में भी सब बन वेरिएशन, फ्रंट वेरिएशन, क्विक हेयर स्टाइल, ब्राइडल हेयर स्टाइल सीखनी है तो ऐसा ही 10 दिन का मास्टर क्लास है जो 5th से स्टार्ट होने वाला है। आप उस सब में जुड़ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हम इसको पीछे के पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आगे से भी ओपन कर देते हैं और बॉक्स पार्टीशन आगे से, अभी आगे से स्टार्ट करते हैं हम। पहले बॉक्स पार्टीशन लेनी है हमें। आगे मैंने ये एक और ये एक रखा है जिसका मैं आगे फ्रंट में कभी भी हम ऊपर लेने वाले हैं तो आगे कर्ल्स या आगे समथिंग वेरिएशंस उनको देना ही है ताकि जो भी लुक हम दे रहे हैं उनको वो बहुत एनहांस होके आए। सबसे पहले बॉक्स पार्टिंग, यहां से भी बॉक्स पार्टिंग लेनी है। एकदम प्रॉपर पार्टीशन होना आपका बहुत जरूरी है। और पार्टीशन कभी भी करेंगे तो हम कोम से ही करेंगे, हाथ से कभी भी नहीं करना है आपको। ये हमारा बॉक्स पार्टीशन। इस लेवल मिडल ऑफ द आईब्रो से बॉक्स पार्टीशन होना चाहिए जो इतना लुक देगा। अभी डिपेंड करता है हाइट देना है कि नहीं, वो क्लाइंट के फेस पे डिपेंड करता है। ज्यादा करके अगर बहुत लंबा है फेस तो जितना बने उतना ज्यादा हाइट ना दो। यहाँ पे हमने बॉक्स पार्टीशन निकाल के रखा है और यहाँ पे हम एक 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 को बो बनाने वाले हैं साथ में साथ में। तो जैसे ही हमने फ्रंट में वेरिएशन के लिए निकाला है, जिस पोजीशन पे ये आने वाला है यहाँ पे, सपोज ये यहाँ पे हम उसको पिन करेंगे तो एग्जैक्ट उसके नीचे से हम एक पार्ट बो के लिए रेडी करके रखेंगे। पहले से ही मैंने बहुत सेक्शन में सिखाया भी है आप कैसे करना है। आपको जस्ट डू बैक कॉमिंग, हल्के हाथ से आप उसको जिस डायरेक्शन में उसको टर्न करने वाले हो वहां पे फिनिशिंग दे दो। हार्ड स्प्रे, ये अलग कर दिया हमने। अभी यहां पे शाइन स्प्रे करेंगे।
फिनिशिंग लेवल हेयर स्टाइल में बहुत अच्छी रहेगी, तभी उसका लुक दिख के आएगा। सो ट्राई, सिर्फ हेयर स्टाइल सीखना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, साथ में उसकी फिनिशिंग कैसे करनी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे बैक साइड हम लाइंस क्रिएट करने वाले हैं। लाइनिंग पे ही पूरी हेयर स्टाइल है, तो हम पहले होल्ड करेंगे यूपिन से। यूपिन से होल्ड करने के बाद लाइंस क्रिएट करनी है। देखो बहुत ज्यादा हाइट नहीं देके भी हम उस पे लाइंस क्रिएट कर रहे हैं। लाइंस क्रिएट करना भी एक टेक्निक है, कैसे आप लाइंस क्रिएट करते हो वो भी एक टेक्निक होती है। देखो यूपिन्स कहाँ पे होल्ड करनी है, एवरीथिंग इन डिटेल। हाय संगीता, हेलो। अभी ये यूपिन निकाल के आप चाहो तो बॉबी पिन भी लगा सकते हो। ऊपर से यूपिन और नीचे से जैसे दिखे नहीं वैसे हम स्मॉल साइज बॉबी पिन अटैच करेंगे। अभी ये जो हमने बो बनाया था उसका यूज करने वाले हैं हम इट्स वेरी इजी टेक्निक। पहले बना के रखो एक पट्टा, आफ्टर दैट बॉबी पिन लेनी है आपको। जस्ट टर्न और फिक्स कर दो। सी अभी ये जो बाल बचे उसको स्ट्रेट लेंगे।
जहां पे हमारी पोनी है एग्जैक्ट वहीं पे इसको हम ऊपर से अटैच कर देंगे। यू पिन से ही अटैच करना है। यहाँ पे भी लाइंस सेम यहाँ पे भी हम इसको पोनी के ऊपर अभी जो भी बाल आएंगे सबको स्प्रेड करते जाना है आपको। यहां से भी एक पट्टा बनाएंगे और यहां पे एक पट्टा क्रिएट करेंगे। जिसको भी कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूज्ड है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे कैसे जाए, लाइंस ही प्रॉपर नहीं आती, उनके लिए पर्टिकुलरली लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में नहीं सीख पाते, तो वही सोच के ऑनलाइन के साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लाइव में रहेंगे, एक दूसरे के सीखते जाएंगे और ये क्लास जूम पे रहेगा ताकि आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सको। और डिटेल में मैं बताऊंगी कि डिटेलिंग कैसे हेयर स्टाइल में बढ़ानी है। अभी जो साइड में बाल है पहले हम इसके भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट यहां से और फिर ये वाला पार्ट लेंगे। इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया, फ्रंट जो वेरिएशन का सेक्शन है वो अलग कर दिया और ये सेक्शन अलग कर दिया और यहां से भी हर जगह से आपको एक पट्टा क्रिएट करना ही करना है। आई होप आप लोग को अच्छा लगता रहेगा।
कैसी लग रही है हेयरस्टाइल, डू कमेंट्स। हम पहले ही इसको पट्टा क्रिएट करके रखेंगे। आप ये हेयर स्टाइल रिक्रिएट करना और पोस्ट करना, मेरे पेज को टैग करना अंकीज ब्राइडल मेकओवर एंड एकेडमी। सी यहाँ से इसके एग्जैक्ट बाजू में होल्डिंग, तो जिसको भी हमारे मास्टर क्लास में ज्वाइन करना है ऑनलाइन आप जुड़ सकते हो। नीचे नंबर दिए, पिन किए हुए नंबर पे आप ज्यादा से ज्यादा डिटेल ले सकते हो। और ये विद सर्टिफिकेट कोर्स है, साथ में आपको मेकअप का भी गाइडेंस मिलेगा। फुल 2 ब्राइडल मेकओवर्स के वीडियोस आपको मेकअप के साथ में मिलेंगे, जिसको देख के आप प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा, ब्रश का नॉलेज रहेगा, तो वो भी आप सीख सकते हो साथ में साथ में। सो सिर्फ हेयर स्टाइल के साथ में मेकअप का कोर्स, सो इट्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। और भी बहुत सारी बेनिफिट्स है, जिसको भी इंटरेस्ट रहेगा आप मुझे पिन करे हुए नंबर पे कॉल करना या मैसेज करके आप ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स ले सकते हो। एग्जैक्ट उसके बाजू में ही मैंने पिन किया है, यहाँ पे बॉबी पिन रखा है। फिर यहाँ पे जो हमने सेक्शन किया था, वन टू एक पार्ट यहां से आएगा, उसके लिए हमें यहां पे एक पट्टा क्रिएट करना है, बट हम यहां पे एक पिन करके रख देंगे।
ये हमारा पट्टा रेडी हो गया यहाँ पे। यूपिन से होल्ड करना है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स रहेगी जो आपको सीखने मिलेगी। ये हमारा थर्ड बैच है मास्टर क्लास का, जिसको भी बेसिक लेवल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, उससे स्टार्ट करने वाले हैं हम ये कोर्स। जो पहले पफ करना सिखाएंगे, बन बनाना सिखाएंगे, पार्टीशन करना, पिन कैसे अरेंज करना है, एसेसरी प्लेसमेंट कैसे करनी है, एक्सटेंशन अटैचमेंट कैसे करनी है बन पे, ओपन वेरिएशन में, वो सारे डिटेल्स, सब कुछ, एवरीथिंग इन हेयर स्टाइल आपको सीखने मिलने वाला है जस्ट एट 10,000 रुपीज, सॉरी 4,000 रुपीज 10 डेज में। सी हमारे 3 बो रेडी है। आपके बो ऐसे ही तीनों लाइन में आने चाहिए और अभी ऑपोजिट साइड सेम जैसे मैंने ये साइड किया था वैसे ही आपको यहां पे भी करना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज एक बार आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत क्विक में ये हेयर स्टाइल करके दे सकते हो आप आपके क्लाइंट को। आपको बहुत अच्छे से स्प्रे वगैरह करना है जो जो जुड़े हैं, आप शेयर करो ताकि अदर्स बाकी सब लोग भी इसको देख सके। और ये आप आपके ब्राइड्स को दे सकते हो, ऐसी ही हेयर स्टाइल है ये। आजकल ब्राइड बंस,
में वेरिएशंस चाहते हैं या ओपन में पोनी लुक बहुत चाहते हैं, तो पोनी लुक में ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस है जो हम उनको क्विक में करके दे सकते हैं। एग्जैक्ट बाजू बाजू में उसके लाइंस करनी है। आप नीचे अलग ओपन में सिर्फ कर्ल्स कर दो हल्के हल्के, और ऊपर से लेके यहां तक ये वेरिएशन दे दो तो भी अच्छा लुक देगा। एक ही हेयर स्टाइल में हम कितना कुछ कर सकते हैं, बस हमें आइडिया, क्रिएटिविटी, आइडिया होनी चाहिए। यही सब सोच के हमने क्लास रखा है कि आपको एक ही हेयर स्टाइल में चार हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हो, वो सारा डिटेल में नॉलेज मिलेगा। सी पिन डाल रही हूं, जस्ट टर्न और फिक्स कर दो और उसको स्प्रेड कर दो अच्छे से। देखो सेम जैसे हमने यहां पे बनाया था एक पट्टा पहले ही यहां पे रख देंगे पिन करके। आई होप आप लोग को सबको अच्छी लगी रहेगी। कैसी लग रही है हेयर स्टाइल, किसी को पसंद आई नहीं आई प्लीज कमेंट करो। जो अभी नहीं देख रहे हैं बाद में भी ये लाइव सेशन देखेंगे, तभी भी आप कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज डालना ताकि मेरे को भी समझ में आए किसको पसंद आई किसको नहीं आ रही है। एनी सजेशन नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया लाइव वीडियो, जो जो जुड़े थे वापस से आ जाओ और हम हमारी हेयर स्टाइल का पार्ट फिनिश करेंगे। हेलो एवरीवन, जो जो आए हैं हाय। हमारा क्रिएशन कभी भी बो बनाएंगे तभी स्मॉल साइज की बॉबी पिन ही यूज करनी है आप लोगों को। नीचे की साइड पिन, यहां पे हमने जो प्यारा सा पट्टा बना के रखा था हम उसका यूज करेंगे। जस्ट बॉबी पिन फिक्स की टर्न,
यहाँ पे हम लाइंस क्रिएट करेंगे। और अच्छे से कर्ल्स को एनहांस करेंगे। जस्ट ऊपर लेते जाना है, जो साइड में आपको टर्न करना है वो साइड में। नेट चालू है। आप जैसे चाहे वैसे उसको हार्ड स्प्रे से टर्न कर सकते हो। इज़न्ट इट कूल?
ये देखो जस्ट ऊपर पकड़ के स्प्रे एंड तो हमारा फाइनल लुक हियर इज आप आपका ब्रॉच प्लेसमेंट जहां पे चाहो वहां पे कर सकते हो सी? Bye-bye. Thank you.